संभल में सदर कोतवाली इलाके में अस्पताल चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और महिला अभ्यर्थी के बीच विवाद हो गया। महिला ने पुलिसकर्मी पर अवैध शुल्क मांगने का आरोप लगाया, जबकि पुलिसकर्मी ने नो एंट्री में खड़ी गाड़ी का चालान किया। इस पर हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के केला भट्टाबाड में नगर निगम के टेम्पो चालक ने एक बच्ची को रौंद दिया, जिसमें उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों का आरोप है कि चालक फोन पर बात कर रहा था। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। संभल के चंदोसी स्थित वृद्ध आश्रम का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने वृद्ध महिलाओं के साथ बैठकर उनका हालचाल लिया। वीडियो में डीएम की सादगी दिख रही है। उन्होंने आश्रम की खामियों को दूर करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने चंडीगढ़ से बिहार जा रही 570 पेटी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। शराब को लकड़ी की पलाई के नीचे छुपा कर ले जाया जा रहा था, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये शराब आगामी त्योहारों के लिए ले जाई जा रही थी। मिला था जिसमें कि ये संज्ञान में आया था कि एक ट्रक है जिस पर अवैध शराब जा रही है, और इस सूचना पर एसीपी तृतीय के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें थाना एक्सप्रेसवे की टीम और एक्साइज की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिसके अंतर्गत एक ट्रक पकड़ा गया है UP 25 नंबर, जिस पे लिखा हुआ है और डिटेल में, इसकी हम लोग गहन अभी जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इस ट्रक को तलाशी लेने पर पाया गया कि इसमें प्लाई, कई सैकड़ों प्लाई के बीच में छुपा कर करीब 570 पेटी शराब बरामद हुई, जो आपके सामने है। ये इंपीरियल मार्का है, चंडीगढ़ मार्का है। इन सबकी जो बरामद माल है प्लाई सहित, इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। झांसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के प्रति कंगना रनौत की अभद्र टिप्पणी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कंगना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हम लोग तो 33-34 साल से सरकार में नहीं है, यही दुर्भाग्य। हम लोग जब भारत सरकार में थे, हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ कराया, मंडियां बनवाई। अब मंडी के अंदर स्टाफ रखना, जो भी राज्य सरकारें आई उन्होंने पहले रिकमेंडेशन की कि मंडियां बनवाओ, उन मंडी में स्टाफ की नियुक्ति राज्य सरकार की है। हरदोई के निर्मलपुर गांव में भेड़िए होने की अफवाह से दहशत फैल गई। खेत में पानी ले जा रहे 2 ग्रामीणों पर हमला हुआ, जिसमें एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। वन विभाग की टीम ने जांच के बाद हमले को भेड़िए का नहीं बल्कि सीआर का बताया। टीम इलाके पर निगरानी रखे हुए है। कल रात दिनांक 30 अगस्त 2024 निर्मलपुर गाँव गौसगंज के पास कुछ स्थानीय ग्रामीणों व पत्रकारों के द्वारा वन्य जीव के द्वारा हमला किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही वन रेंज कछवाना की टीम को सक्रिय किया गया तथा मौके का जायजा लेने के लिए भेजा गया। स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत के दौरान पता चला कि उक्त वन्य जीव जयकाल शियार है। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में सुनार की दुकान से 17 अगस्त को 110 ग्राम सोने की चोरी हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मध्य प्रदेश के इमरान अली उर्फ कालिया को 31 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक चोर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। उन्नाव में सीडीओ के निरीक्षण में बीएसए ऑफिस में रिटायर्ड शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह चौहान काम करता मिला। बीएसए के वित्त अधिकारी अनिल कुमार दुबे ने शिक्षक को लॉगिन पासवर्ड दिया था। सीडीओ ने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर और वित्त अधिकारी के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। पीलीभीत में पुलिस भर्ती के आखिरी दिन एक अभ्यर्थी को फर्जी दस्तावेज के सहारे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश लेते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र में धांधली पाई गई। आरोपी के खिलाफ थाना सुनगढ़ी में मामला दर्ज किया गया है। आज दिनांक 31 अगस्त 2024 को पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान GGIC परीक्षा केंद्र पर द्वितीय पारी में एक अभ्यर्थी परीक्षा हेतु उपस्थित हुआ, जिसका बायोमेट्रिक करने पर उसके मूल दस्तावेजों से भिन्नता पाई गई, जिसके आधार पर अभ्यर्थी के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर के अरोरा में 3 दिवसीय ठाकुर जी रथ यात्रा मेला शुरू हुआ, जिसमें विराट अंतरप्रांतीय कुश्ती दंगल आयोजित किया गया। कई राज्यों के पहलवानों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। DIG अखाड़ा काछुआ के दीपक और दिल्ली के वैशाली प्रमुख थे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने 21,000 रूपए की सहयोगी राशि दी और अरोरा में ट्रामा सेंटर और एक्सरे मशीन की भी घोषणा की। कुश्ती दंगल में चीनी पहलवान ने रितेश पहलवान को हराया।
महाराजगंज के कोलहुई थाना क्षेत्र में देसी शराब की भट्टी के पास खेत में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान राकेश प्रजापति के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। अंबेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के अलनपुर गांव में छावनी जैसी स्थिति हो गई। 30 अगस्त को पुलिस ने प्रतिबंधित जीव की शिकार करते हुए पकड़े गए दो अभियुक्तों के पुलिस से हाथापाई हो गई और वो भाग गए। अपर पुलिस अधीक्षक ने फोर्स के साथ गांव पहुंचकर स्थिति को संभाला।